माग मजन संग साधुआ धूड़ी करे स्नान हर का नाम ध्याए सुन सब नानो करे दान जन्मे करमे मले उतरे मन ते जाए गुमान काम क्रोध ना मोहिए बिन से लोभ सुआन सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान अठसठ तीरथ सगल पुन जी दया परवाने जिसनु देवे दया करे सोई पुरख सुजान जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से काढ़िए जिन पूरा गुरु मेहरवान भारत दी बनी धार्मिक परंपरा दे मुताबिक माघ दा महीना खास महीना है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने माज राग दे इस महावाक दे विच जो माघ दे महीने दा उपदेश कीता है सतगुरु फरमान करदे ने माग मजन संग साधुआ धूड़ी कर इसना इस महीने विच इशनान दी अत महत्ता मनी गई है। प्रयाग इशनान माग इशनान प्रयागराज दे जाके माग दा माघी दा इशनान बहुत वड्डा पुन मनदे ने। बाकी तीर्थां ते भी माग दा इशनान इस दे नाल अनेकां पुन फल जोड़े हुए ने अनेकां संसारिक उपलब्धियां ते अनेकां ही रूहानी उपलब्धियां जोड़ियां हुई ने। इशनान करन नूं ते गुरमत भी प्रेरदी है और माघ दे महीने कैसा इशनान करना है इतनी गल स्पष्ट है कि तन ते मन ये साढ़े कुल दो रूप ने। तन अस्थूल है मन सूक्ष्म है तन दिखाई दे रहा है मन अदृश्य है। तो पानी दिखाई दे रहा है जो तन दिखाई दे रहा है ये पानी इस दिसदे हुए तन दी मैल नूं दूर कर सकता है साफ कर सकता है पर मन अदृश्य है मन तक पानी दी पहुँच ही नहीं है। पानी दृश्यमान है मन अदृश्य है दृश्य ते अदृश्य दा संगम नहीं है जोड़ नहीं है। तो वो जो अदृश्य मन है वो ते किसी होर ढंग नाल पावन होवेगा पवित्र होवेगा। तो इशनान कैसा करना है इस महीने विच महाराज कहिंदे ने माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान प्रथम ते साधुआ दी संगत कर उन्हां दी संगत विच बैठ संग दा वी लाभ है। एक जुड़ी हुई आत्मा कोल बैठते हैं मन जुड़दा है। एक साधना करन वाले कोल बैठिए मन साधना दी तरफ चल पैंदा है। एक रब्बी प्यार दे गीत अलापन वाले कोल बैठिए तो बैठन वाले दी वी रसना चल पैंदी है और वह भी प्रभु दे गीत गाण लग पैंदी है। तो साहब कहते प्रथम ते इस महीने विच तू साधुआं दी संगत कर ते फिर साधुआं दी ही धूड़ी दा इशनान कर अपने मस्तक ते ला अपने बदन ते ला। क्यों साधक पुरुष जिस दी साधना सफल हो गई साधु हो गया है वो जिथे चरण रखेगा जमीन पावन होवेगी धूड़ पवित्र होवेगी और वो धूड़ अक्सीर बनेगी।
ईरान दा सूफी संत शेख सादी कहिंदा है, सुरमा कुन तो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदाता इंतहा। जे तू आद तो लैके अंत तक सारी सच्चाई वेखना चाहना है ता जो औलिया ने जो अल्लाह नाल जुड़े हुए ने उन्हां दे कदमां दी खाक नूं अपने मस्तक ते ला और इस तरीके नाल तू पावन होवेगा। अगर देखिया जाए तो जितने तीर्थ ने वड्डे वड्डे वह भी महापुरशां दे कदमों तो ही पैदा हुए ने। उन्होंने कदम रखे किसे न किसे रूप च, जन्म दे रूप च, जीवन दे रूप च, या ज्योति ज्योत समान दे रूप च, जिथे भी उन्होंने कदम किसी भी रूप टिके ने, तीर्थां दा जन्म होया तो तीर्थ ते कदमां दे विच्चों पैदा होंदे ने, तीर्थ ते चरण धूड़ दे विच्चों ही पैदा होंदे ने। ते जिसनू चरण धूड़ी नसीब हो गई उसनू ते मानो सारे तीर्थ नसीब हो गए। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने, माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इसना। चरण धूड़ दी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बड़ी महिमा दसते ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज का पावन वाक, नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। ऐ खुदा ऐ परिपूर्ण परमात्मा सतगुरु दा वाक, जो तेरे चाकर ने जो तेरी सेवा दे जुटे हुए ने जो तेरे नाल जुड़े हुए ने उन्हां दे कदमां दी खाक मैनू बना ताकि उन्हां दे कदम छूंदे आं मैं पावन होवां। इस वास्ते आदि काल तो ऐसे पुरश जिन्हां दा सिर परमात्मा नाल जुड़िया होया है उन्हां दे पैर पावन समझ के लोकी अपने घरां दे अपने अस्थानां दे चरण पवांदे रहे ने। चरण पवाण तो मतलब इन्ना ही है कि इन्हां दा मस्तक ते परमात्मा नाल जुड़े होया है ते चरणां दे राही साडा घर पावन होवेगा, साडे घर दी खाक पावन होवेगी। ये आदि काल तो यह ख्याल बनिया रहा है। और साहब ऐसा भी कहिंदे ने, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। ऐसे पुरशां दे जिहड़े कदम ने उते मानो करोड़ां गंगा दा इशनान है, इतने पावन ने। क्यों? ये चलदे फिरदे तीर्थ ने, इन्हां दे कदमां दे चों तीर्थ जन्म लैंदे ने। भगत कबीर जी महाराज का बड़ा सुंदर वाक, कहत कबीर हों भया उदास तीर्थ बड़ा के हर का दास। तीर्थ वड्डा है कि हरि दा दास वड्डा है। दरअसल कबीर ये कह रहे ने, हरि दा दास वड्डा है क्योंकि उसके कदमों दे चों उसके चरणों की खाक दे चों तीर्थां दा जन्म होंदा है, अनंत तीर्थ पैदा होंदे ने। तो साहिब कहिंदे ने, इस महीने विच तू पावन हो सकदा है, पवित्र हो सकदा है, प्रथम ते साधुआं की संगत कर ते फिर उन्हां दे चरणां की खाक नूं अपने मस्तक ते ला। भाई साहब भाई नंद लाल दा एक कीमती शेर, आप कहिंदे ने, दिले गोया हमी बस आरजू कर। ऐ गुरु एक आरजू रह गई है मेरे दिल दे, एक तमन्ना एक इच्छा, केड़ी? शब्द कुर्बाने खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू कर। ऐ मेरे पातशाह ये जो संगत तेरे दर तक पहुंचती है इन्हां दे कदमां दी खाक मैनू कर दे ताकि इन्हां दे कदम छूंदे आं मैं भी पावन होवां, मैं भी पवित्र होवां। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, अंतर जामी पुरख विधाते सरधा मन की पूरे, नानक दास अह सुख मांगे मुख कर संतन की धूरे। मेरी श्रद्धा पूर्ण करो हे परिपूर्ण परमात्मा, संत जना दे चरणा दी खाक बना दो। तो साहिब कहिंदे ने, तो पुनीत हो सकदा है माघ दे महीने च पानी दे इशनान नाल नहीं, साधुआं दी संगत नाल और उन्हां दे चरणा दी खाक नूं मस्तक ते लगाण नाल। पानी नाल तेरा पन तन पावन होवेगा, पवित्र होवेगा, ते तन दी पवित्रता तन दे स्वास्थ लई लाजमी है, तन दी तंदुरुस्ती लई लाजमी है। माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इसनान, हर का नाम ध्याए सुन
सबना नूं कर दान। उन्हां दी संगत विच की कर, हरी दे नाम नूं सुन अपने कना नाल। उदी सिफतो सलाह, नाम दी महिमा, नाम दा जपन किवें करिए, इह सारियां विचारां कीर्तन राहीं कथा राहीं तो उन्हां पासो सुन, ते सुनन तो बाद सबना नूं कर दान। जो तू सुने है, जो तू जाने है, जो तेनू पता चले है, जपदे होया सुनदे होया ये सारियां नूं दान भी कर। ये गल सारियां नूं दस, जो तेनू पता चल गया इनू दस भी सही, दूजे भी उस मार्ग ते चलन। इस वास्ते गुरमत उपदेश देंदी है, आप जपे अवरा नाम जपावे, खुद भी जप दूजियां नूं भी जपण की प्रेरणा दे। इस तरीके नाल की होवेगा, जन्म करम मल उतरे मन ते जाए गुमान। मन दे उते अनेकां जन्म दे जो कीते ने करम, उना कर्मां दे संस्कार रूपी जो मैल जमी हुई है, साधु दी संगत विच बैठ के प्रभु दा नाम सुन के और प्रभु दे गीत गा के उना दे चरणा दी खाक नूं मस्तक ते ला के, ये जो संस्कारां दी मैल कीते हुए कर्मा करके मन दे ते जमी हुई है, सारी दी सारी लै जाएगी और गुमान मिट जाएगा, अहंकार विलीन हो जाएगा। काम क्रोध नाम मोही है, बिन से लोभ सुहान। फिर ए वासना ए क्रोध, क्योंकि जिथे जिथे भी वासना दी कामना दी अपूर्ति हो जाती है उत्थे क्रोध पैदा हो जाता है। कामना दी पूर्ति हो जाए तो वक्ती तौर ते आरजी तौर ते मनुख संतुष्ट हो जाता है, कामना फिर उजागर होती है, फिर रिपीट होती है, फिर पुनरुक्त होती है और इस तरह फिर वो पूर्ण होना चाहती है। तो जिथे जिथे भी कामना अपूर्ण रह जाती है, काम की अपूर्ति हो जाती है, क्रोध का जन्म हो जाता है। तो साहब कहते ने इस तरह संगत करदे हां सीमा तो वधिया होया काम जो क्रोध नूं जन्म देंदा है ये नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और फिर नह मोइए अंदर मोह भी मिट जाएगा और बहुती मोह की जिहड़ी खिच ते तड़प है ये भी नाश हो जाएगी। ते बिन से लोभ सुहां, ये जो लोभ कुत्ता है ये भी मर जाएगा। इसनू कुत्ता क्यों आखे है? दरअसल कुत्ते दी फितरत द्वारे द्वारे, एक द्वार ते दूजे द्वार ते तीजे द्वार ते, द्वारे द्वार समान ज्यों डोलत नह सुध राम भजन की। इस तरह लोभी दी भटकना आउंदी है, कदी एक पासे कदी दूजे पासे, कदी एक दी खुशामद कदी दूजे दी, इस तरह दर दर दी भटकन लोभ करके जो है बनी रहती है। इस वास्ते इसनू स्वान नाल कुत्ते नाल तशबीह दिती है। साहब साफ भी कहिंदे ने एक पंक्ति विच, ज्यों कू कर हर काया धावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जाणई पख अबख सब खाए। लोभी ते ऐसा है जैसे हल्का होया कुत्ता और बख अबख सब जो है खा जाएगा। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहां। जद कोई परमात्मा दे मार्ग ते चल पैंदा है ते उसके अंदर दैवी गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं तो जगत विच उसकी उस्तति होने लग पैंदी है, उसकी महिमा जगत बखान करन लग पैंदा है, क्योंकि परमात्मा दे दैवी गुण उसके अंदरों प्रगट होने शुरू हो जाते हैं। अठसठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। ऐसा जो पुरुष जिसने संगत विच बैठ के प्रभु का जाप किया है, मानो अठाठ तीर्थां का इशनान ते तीर्थां ते जाके जीवां दे उते दया करके जो दान ते पुन करना है, ये सारे का सारा जो फल है वह प्राप्त कर लैंदा है। पुन करके, दान करके, दया करके और तीर्थां ते इशनान करके जो भी जो है प्रताप पुन प्राप्त होंदा है, साहिब कहिंदे ने साधु की संगत विच सब कुछ प्राप्त होंदा हो जाता है। जिसनों देवे दया कर सोई पुरख सुजान, पर जिसनों ये सौगात दया करके परिपूर्ण परमात्मा आप देंदा है ओही सुजान है, ओही महान है, ओही सियाणा है। जिन्हां मिलिया प्रभ आपणा नानक तिन कुरबान। माघ दे महीने विच जिन्हां नूं ऐसा प्यारा प्रीतम मिल पिया, साहिब कहिंदे ने मैं उन्हां तों सदके जाना कुरबान जाना। माघ सुचे से कांडिए
जिन पूरा गुर मेहरवान। माघ दे महीने विच ओही सुचे ने, मानो उन्होंने ही सही इशनान कर लिया, जिन्हां दे पूरे गुरदेव की पूरी कृपा हो गई है, मेहरबानी हो गई है, और उन्होंने आत्मक आनंद का हिलोरा नसीब हो गया। माघ पुनीत भई तीर्थ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण के अंक समानिया। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके, तुद भावा सरनामा। गंग जमन तह बैणी संगम, सात समुंद समावा। पुन दान पूजा परमेश्वर, जुग जुग एको जाता। नानक माघ महारस हर जप, अठसठ तीरथ नाता। तुखारी राग दे बारह माह दे राही माघ दे महीने दा धन गुरु नानक देव जी महाराज दा उपदेश संदेश। माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जाने। माघ दा महीना साढ़े लिए अत्यंत पुनीत साबित होया। किस तरह? किसी तीरथ ते इशनान कीता, किसी विशेष तीरथ ते जाना नसीब होया। साहब कहिंदे हां तीरथ अंतर जाने, अंतरीव तीरथ दी समझ पै गई और उत्थे इशनान कीता। ई अंतरीव तीरथ की है, इसका गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दिच बड़ा जिक्र है। भगत बैणी जी कहिंदे ने, टीड़ा पिंगला सुख मना, तीन बसे इक ठाए, बैणी ते संगम प्रयाग, मन मज्जन करे तिथाए। टीड़ा सज्जी सुर पिंगला, खब्बी सुर नासका दी, ये दो नाड़ियां दो सुराखा। तीसरी सुखमना जो सिर दे उपरों आउंदी है, और इन्हां तिन्हां दा मस्तक दे त्रिकटू जिसनू कहिंदे ने, तिन्हां दा इह संगम है। आप कहिंदे ने मस्तक दे ध्यान जोड़ के प्रभु दा चिंतन कीता है, प्रभु दे नाम दा अलाप कीता है, जाप कीता है, मन ऐसा लीन होया है मानो घर बैठे ही त्रिवेणी दा इशनान हो गया है, प्रयागराज दा इशनान हो गया। इसी तरीके लाल अंतरीव तीरथ दा जपजी साहब दी इक पंक्ति दे राही गुरु नानक देव जी महाराज इन जिक्र करदे ने, गावीए सुनिए मन रखिए भाव, और फिर दूसरी पंक्ति सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल नाओ। ए अंतरीव तीरथ है परमात्मा दे नाम नु सुनना मनना, सुनिए मनिए मन कीता भाव, ते मन दे भावनावां नू उजागर करना, श्रद्धा नू उजागर करना, और श्रद्धा विच लीन होके सुनना मनना, ते फिर गायन करना, बस यही अंतरीव तीर्थ है। इस दे ही मन पावन हो जांदा है, जन्मा जन्मांतरां दे पापां दी महल इस तीर्थ ते इशनान करके धुल जांदी है। तो साहब इत्थे फरमान पे करदे ने, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया। माघ दा महीना साढ़े लई पुनीत हो गया, पावन हो गया, क्योंकि अंतरीव तीरथ दी समझ पै गई। जब मन अंतर है तो फिर तीरथ भी अंतर ही चाहिए। कबीर ने उसका जिक्र इंज कीता है, गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट, तहां कबीरे मठ किया खोजत मुनि जन बाट। गंग जमन के अंतरे, जो परमात्मा दा नाम मैं गायन कर रहा, ए गंगा है,
जो इसनों मैं सुन रहा इस दिश ध्यान जोड़ रहा ये जमना है और इस संगम दते एक घाट है सहज दा और इत्थे एक होर घाट है सुन दा अफुर अवस्था दा इस देच में इशनान कर रहा गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट ताहां कबीरे मठ किया खोजत मुनिजन बाट आद काल तो मुनिजन ऋषि लोग संत जन इसी तीरथ नू लभदे फिरदे ने कबीर कहिंदे ने मैं इस तीरथ तक पहुंच गया मैं इस तीरथ ते इशनान करके पावन हो गया तो साहिब कहिंदे ने माघ दा महीना पुनीत हो गया है अंतरीव तीरथ दी समझ पै गई है और अंतरीव तीरथ दे इशनान ने जन्म जन्मांतरां दे पापां दी मैल नू धो दिता है साजन सहज मिले गुण कै अंक समानिया जैसे अंतरीव तीरथ ते इशनान कीता पावन होए सहज अवस्था अंदरों उत्पन्न हुई सहज दा मतलब है स्वयं तो जन्मिया जो अपने आप तो पैदा होया इस तरह सहज अवस्था दी प्राप्ति हो गई इहदे चों ही साजन पैदा होए परिपूर्ण परमात्मा प्रगट होए और उसने कंठ ला लिया ओ अंगा दे नाल आके समाए जोड़ जुड़ गया साडा परिपूर्ण परमात्मा दे नाल प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावा सरनावा हुण साहिब इंज उपदेश करदे ने जिज्ञासु नूं समझांदे ने तू इंज जोदड़ी भी कर ते इस भाव नूं भी समझ हे परिपूर्ण परमात्मा तू गुणा नाल ओत प्रोत है तू गुणवान है हे गुणा दे महान सागर हे अत्यंत सुंदर प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावा सरनावा जे मैं तेनू पा जावा यही तीरथ दा इशनान है यही सरोवर दा इशनान है जे तेनू पावा ही ना तो फिर इशनान किए तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाणे कह नाही करी यही तीरथ दा इशनान है जे तेनू पा जाइए ते उसनू भा जाइए तो समझ लो प्रवान हो गए सारी मैल कटी गई फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक होर सुंदर वाक आप कहिंदे ने तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दसाहरा और नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ धरणी धरा साहिब फरमान कर दिन जरूर तू तीर्थां ते इशनान करन लई जा पर तीर्थ केड़ा है तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है परमात्मा दा नाम ही ते तीर्थ है और ए तीर्थ हर थां ते है हर वक्त मुयसर है बस सिर्फ तेरी रसना चलनी चाहिदी है वाहेगुरु 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 ऐसा जाप चलना चाहिदा है रसना बोले ते कन सुन तीर्थ दा इशनान चल पिया तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुरु दा जो शब्द है उस शब्द दी जो विचार है उनू जिड़ा विचारना है सोचना है अपने सोच मंडल दे जो लेना है बस यही तीर्थ दा इशनान है तो साहिब इत्थे फरमान करदे ने हे परिपूर्ण परमात्मा हे गुणा नाल ओत प्रोत समाए होए गुणा दे हे सुंदर स्वरूप जे मैं तेनू पा जावा ताई जो है तीरथ दा इशनान है प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावा सरनावा गंग जमन तें बैणी संगम सात समुंद समावा जे किधरे तेनू मैं पा जावा ते ए गंगा जमना ते त्रिबैणी दे संगम दा इशनान हो गया मानो सत्तां समुंदरां दा मैं इशनान कर लिया सारी पवित्रता मैनू जो है प्राप्त हो गई जे किधरे मैं तेनू पा जावा ते भाण दा तरीका इक्को ही सतगुरां ने दस्या है तीरथ अंतर जाने अंतरीव तीरथ दा इशनान बड़ा जो है लाजमी है विवेक बुद्धि वाले
अमृत वेले उठ के बस इसे ही अंतरीव तीरथ ते रोज इशनान करदे ने और जन्म जन्मांतरां दे संस्कारां दी मैल नूं धोंदे रहिंदे ने एक दिन स्वच्छ पावन ते परमात्मा दी मूर्ति हो जांदे ने। वास्तविक ऐसा पुरुष जिथे भी बैठा है उसके बैठण दे नाल ही तीरथ जन्म लैंदे ने। भगत पीपा जी का एक बड़ा सुंदर वाक, कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। आप कहते ने काया ही मंदिर बन गई है, काया ही तीर्थ बन गई है और काया दे चों ही मैं नौ निध नाम दी प्राप्ति कर लिए। काया बहुखंड खोजते नौ निध पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई। ये महान सौगात इस काया दे अंदरों जो है मैं प्राप्त कर ली। उस अंतरीव तीर्थ नो जान के इतनी वड्डी बरकत प्राप्त हो गई। भाई साहब भाई गुरदास जी दी एक बड़ी कीमती पौड़ी है, आपदा फरमान, चरणों दुख होए सुरसरी तज बैकुंठ जगत विच आई। ऐसा मिथिहास है कि गंगा ए ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, शंकर दे मस्तक दा जल है, विष्णु दे चरणा दा जल है। अपने करमंडल चो कढ के ए जल विष्णु दे चरणा ते डोलिया ब्रह्मे ने, फिर ए शंकर ने अपने मस्तक दे सहारिया ते इस तरह ए संसार दे च आई। चरणों दुख होए सुरसरी तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीर्थ अंग समाई। इस पृथ्वी देते जो 999 नदियां 12 मास दरिया वगण वाले ने, भाई साहब कहते हैं गंगा इन्हां दे चों सिरमौर है, महान है। क्यों कि 68 तीर्थ इस दे ही कंडे ते बने हुए ने। तेहे लोकी परवान है महादेव ले शीस चढ़ाई, फिर शंकर ने इसनों अपने मस्तक दे स्थान दिती है। भाई साहब अखीर दे च कहते हैं सण गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लेवलाई, साधु दूर न पुजने साध संगत सतगुर शरणाई। लखां ही ब्रह्मे दे करमंडल दा जल होवे, लखां ही विष्णु दे चरणा दा जल होवे, ते लखां ही शंकर दे मस्तक दा जो है जल होवे। सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लेवलाई, साधु धूर न पुजने साध संगत सतगुरु शरणाई। साधुआं दी संगत दे च बैठ के जो अपनी सुरत शब्द दे जोड़ के मगन है, उसके कदमा तो करोड़ा गंगा निछावर कीतियां जा सकदियां, कुर्बान कीतियां जा सकदियां। उसके चरणा दी खाक इतनी पावन है, इतनी महान है। तो अंतरीव तीरथ का ही जिक्र गुरु अर्जन देव जी करते हैं और अंतरीव तीरथ का ही जिक्र धन गुरु नानक देव जी महाराज करते हैं। पुन्न दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, जो जुगा जुगांतरां दे च इको परिपूर्ण परमात्मा रमे होया, उनू जिहड़ा असी जान लिया मानो सारे पुन कर ले, सारा दान कर छड़िया और सारी पूजा प्रतिष्ठा परिपूर्ण परमात्मा दी हो गई। परमात्मा नू जानना ही सब तो वड्डा पुन है, परमात्मा नू जान लेना ही सब तो वड्डा दान है। कारण जद कोई जान लैंदा है तो उसके अंदर एक प्यास पैदा हो जाती है दूजे भी जानन, और वह ऐसी कोशिश करता है वंडन नू चल पैंदा है, दूजियां नू ज्ञान वंडदा है और दूजियां नू दसदा है प्रभु की इंज प्राप्ति होवेगी और प्रभु ऐसे ने। तो पुन्न दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, ओ जुगां जुगां देच जो एक रमया होया है उसनू जिहड़ा असी जान लिया मानो सारे पुन कर ले, सारी पूजा कर ली, हर तरह का दान असी दे दिता। नानक माघ महारस हर जप 68 तीर्थ नाता, चूंकि माघ दे महीने का इशनान ते दान काफी महान मनिया गया। साहिब कहिंदे ने ज्ञान दे दान तो वड्डा कोई दान नहीं, ते परमात्मा नू जान लेना इस तो वड्डा जो है कोई ज्ञान नहीं, और जिस दे कोल एक ज्ञान है ते ज्ञान दा दान है मानो उसने सारे पुन कर ले। नानक माघ महारस हर जप 68 तीर्थ नाता, माघ दे महीने दे च
परमात्मा दा नाम जप जप के जो महारस की प्राप्ति हो गई, मानो 68 तीर्थां दा इशनान हो गया, इस तरह माघ पुनीत हो गई।